एग्जाम देने यूट्यूब चैनल सोच जीतने के। आज मैं आप लोग को एक पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है और रेशियो अनुपात भी इसमें शामिल है, तो उसको मैं हम लोग करूँगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि मोना स्टार्टेड अ बिजनेस, यानी मोना ने रुपीज 50,000 देकर एक व्यवस्था यानी व्यवस्था ने एक व्यवसाय यानी एक बिजनेस शुरू किया, और उसके 6 महीने के बाद रहीम भी ज्वाइंट हो गया 60,000 रुपये के साथ। एक और 6 महीने के बाद नेहा भी ज्वाइंट हुई 1.5 लाख रुपये के। तो आखिर में प्रॉफिट अर्न हुआ 2 साल के बाद, यानी जब से मोना स्टार्ट किया बिजनेस उसके 2 साल के बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया मोना, रहीम और नेहा के बीच, तो किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 0 0 0 करने में। तो सबसे पहले देखिए, तीन आदमी है, तो तीन आदमी का नाम लिख लेते हैं। मोना है और एक रहीम है और एक कौन है, और एक मेरे पास में नेहा है। तो ये तीन का नाम लिख लिए। मोना जो है वो 50,000 रुपये देकर शुरू किया, 2 साल तक चला। तो अब हम लोग 50,000 को 50,000 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसी के लिए लेकर गया हूँ। तो 50 को आप 50K लिखिएगा, K का मतलब होता है 1,000, और 2 साल तक चला है, इसका मतलब ये रुपया 24 महीना तक चला है। और रहीम का पैसा कितना तक चला है, 60,000 रुपये आया 6 महीना के बाद। अगर 2 महीने तक हम लोग हिसाब करें तो 2 महीने में 24 महीना, 24 महीने में 6 महीना घटा देंगे तो कितना जाएगा, 18 महीना। यानी ये 60,000 रुपये लेकर गया, तो 60K × 18। और नेहा कितना लेकर गई है, नेहा फिर और 6 महीने के बाद, यानी जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 1 साल के बाद, और वो 1.5 लाख रुपये लेकर के ज्वाइंट हुई। तो 1.5 लाख रुपये का मतलब 150K 12 महीना, यानी 1 साल के बाद। तो देखिए, तीनों का के उड़ जाएगा, फिर ये 1010 और उड़ जाएगा, तो ये बचा 5×24। यहाँ पर कितना बच गया है, 5×24, और यहाँ पर कितना बच गया, 6×18, और यहाँ पर कितना बच गया, 15×12। अब हम लोग यहाँ 6 से काट दिए, तो 6×24, 6×3 = 18, 6×2 = 12, फिर और कितने से कट गया, 2 से कट जाएगा, 2×2 = 4, 2×3 = 6, और 2×1 = 2, तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, और 3×3 = 9, और ये 15×1 = 15। बस, तो 10, 9, 15 मेरा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल एग्जाम सेनर्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी पहुँचा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।